हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन, हेलो हेलो हेलो। वहाँ बड़ी दूर से आया हेलो। गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम सुबह सुबह गुड मॉर्निंग माँ, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू यू। फिलहाल जब तक ये वीडियो जाएगी शायद इंडिपेंडेंस डे पुराना ना हो जाए। हो जाएगा, कोशिश करेंगे कि इंडिपेंडेंस डे पे इंडिपेंडेंट वीडियो बन जाए, मज़ा आ जाए। एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। टुडे वी आर गोइंग टू डू द न्यू अनबॉक्सिंग ऑफ द लेटेस्ट लॉन्च बाय अ रेप्यूटेटेड ब्रांड। एंड पहली बार ही ट्राई करके देख रहे हैं, लेट्स सी कैसा लगता है। ठीक है, ठीक है। फ्लिपकार्ट कंपनी से क्या कुत्ते भी साथ मिलते हैं? सेलिब्रेटिंग फ्लिपकार्ट इन एवरी हार्ट। यस, अच्छे अच्छे स्लोगन से आने लगे, पुरानी पुरानी थीम्स ही उठा के बनाने लगे फ्लिपकार्ट वाले डब्बे, पैकिंग वाले। एंड आज हमने ऑर्डर किया फ्लिपकार्ट से, हमारा पुराना देसी सा चक्कू लेके नटराज का। अरे इसे चक्कू भी नहीं बोलेंगे, इसे क्या बोलेंगे आप? ब्लेड, ब्लेड ही बोलते हैं। कटर, कटर तो अलग हो जाता है, दिख रहे ना कुछ टेक तो प्रोडक्ट दिख रहे है, कुछ तो दिख रहे हैं। बोल्ट ब्रांड के लेटेस्ट बड्स K20। बढ़िया, K20, बट इन आर स्लैंग वी विल प्रोनाउंस इट K20। एंड लेट्स यार, बॉक्स देखने में तो मस्त लग रहा है, इसको खोले। इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। अनबॉक्सिंग से पहले कहना चाहूँगा, पॉलीथीन बहुत तगड़ा चढ़ा रखा है एंड इस पॉलीथीन को रखते हैं साइड में। बाकी मुझे इनके डब्बे का डिज़ाइन बहुत अच्छा लगा, एक सिंपल सोबर सा, वो नहीं होता, एक डार्क पैटर्न यूज़ किया, दैट्स इट। साइडों में भी कुछ खास है सच इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी, जो थोड़ी बहुत दे रखी है वो बैक में दे रखी है इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग टू द प्रोडक्ट, जैसे कि लो लेटेंसी गेमिंग है, 13 mm ड्राइवर है, 4 माइक है ENC के लिए, ड्यूल मास्टर है, ड्यूल मास्टर मे बी इट कंटेन्स द टेक्नोलॉजी की एक बार में दो फोनों से कनेक्ट हो जाए, ब्लूटूथ 5.3 है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड द लेटेस्ट ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी। एंड लेट जस्ट पुल दिस आउट। बस ये वाला सिस्टम थोड़ा सा अजीब सा लगता है, इस मामले में बोट वाला थोड़ा सा सिस्टम सही रहता है कि हाँ इंसान को ज़्यादा जलील नहीं होना पड़ता, वो ऊपर से खोल लो चाहे नीचे से खोलो और चीज़ आसानी से निकाल लो। इसके अंदर थोड़ा सा ये औखा हो जाता है। स्कैन एंड सिक्योर, अगर आपको अपने उसकी वारंटी बढ़ानी है तो 3 महीने की एक्सटेंडेड वारंटी मिलती है, तो वैसे तो 1 साल की तो वारंटी होगी इसकी, 1 साल की तो वैसे हर प्रोडक्ट की होती है। इसके अंदर पहले देख लेते क्या क्या है आपके, एक TWS है, चार्जर पिन है, चार्जर है या पिन है, एक मैनुअल होगी। और अब देखते हैं, ये तो है आपका वारंटी कार्ड जिससे 3 महीने की आपको एक्सटेंडेड वारंटी मिलेगी। वी आर रईस, हमें वारंटी की क्या ज़रूरत, बाकी पता नहीं मिली वालों से पूछना, क्लेम कर करके उन्हें दुखी कर रखा हमने। पहले इसमें देख लेते हैं क्या है, ऐसी बात नहीं है मीवी के प्रोडक्ट्स बेकार नहीं है, बट फिर भी कभी जब ख़राब हो जाए तो दिक्कत बहुत आती है, इसलिए मीवी वालों के लिए तो सजेशन यही है भाई अपने ना सेंटर खोल लो तो अच्छा है। ये इसकी यूज़र मैनुअल, यार इतने बड़े पाउच के अंदर सिर्फ एक ये दिया, नॉट वर्थी, मजे वाली बात नहीं है, है ना साहिल भाई? कम से कम ये भी इसी के अंदर ही डाल देते, ये वाला कार्ड इसके अंदर आता नहीं क्या, थोड़ा सा तो अच्छा लगता कि दो चीज़ तो है इतने बड़े पाउच में। लेट्स लुक एट हेयर, इधर यहाँ पे एसेसरी का वो दे रखा, ये है बड्स का केस, तो पहले एसेसरीज देख लें। हाँ कुछ दिया भी है कि नहीं,
केबल पाएगी। केबल ही है क्योंकि जहाँ तक है यहाँ ये बड्स का डिज़ाइन देख के तो आप समझ ही गए होंगे कि इन पे ईयर टिप्स की ज़रूरत है नहीं, तो ऑब्वियसली केबल ही पाएगी। वो पीछे लिख रखा है चार्जर। यार मैं मानता हूँ इंडियन ब्रांड है, पर चाइनीज़ वाली हरकत क्यों कर रहे हो? दिस डजंट सूट। चार्जर नहीं है ये, केबल है। चार्जर कहाँ है? आपने यहाँ पे लिखा हुआ है ना, यहाँ पे ये देख चार्जर वन नंबर। चार्जर कहाँ है? लिखा तो चार्जर हुआ है, लोग ज़्यादातर केबल लिखते हैं ना। बस चलो कोई बात नहीं, धीरे धीरे हो जाएगा ये भी सही। एंड टाइप सी केबल, और इससे हमें ये हिंट वैसे भी लग जाता है कि टाइप सी होगा चार्जिंग जो डब्बी है। रही बात एक चीज़ है, वाई वी हैव ट्राइड दिस, हम पुराने जो अभी तक जितने ब्रांड ट्राई करते आए उनके अलावा हमने सोचा कुछ अदर्स भी होने चाहिए, तो वी जस्ट गो फॉर द बोल्ट। कुछ कंपनीज हमने सर्च करी जिनकी मार्केट में अच्छा नाम है। डब्बी देख रहे हो कितनी छोटी सी है, बोट वाली तरह। यहाँ पे जैक भी यूँ लगता है जैसे बाहर आने को हो रहा है। बहुत छोटी सी डब्बी है, थोड़ी सी हैवी है छोटे साइज़ के हिसाब से। पैटर्न बहुत गजब है, यहाँ पे लिखा हुआ साफ अक्षरों में बोल्ट। लेट्स जस्ट पुल दिस आउट। यस, स्मॉल साइज है, ज़्यादा बड़े साइज़ की नहीं है, और 13 mm ड्राइवर के हिसाब से तो बहुत स्मॉल है यार। क्या ये चिपक रहे हैं एक दूसरे में? हाँ, एक दूसरे में चिपक रहे हैं हल्के हल्के, बट भाई 13 mm का स्पीकर है, क्या कह सकते हैं, होगा भी। लेट्स पहले तो आप देखते हैं इसका इंडिकेटर कि हाँ भाई इनमें बैटरी कितनी है। इसमें ये LED इंडिकेटर है, चार इंडिकेटर है, तीन चश्मे लग रहे हैं, तो मतलब कितनी परसेंट बैटरी हुई? 75 75 बैटरी होगी ना। यहाँ पे आपको दे रखा है LRR, ये लेफ्ट साइड का ये है, राइट साइड का ये है, दिख रहा है ना LRR। अरे बताना पड़ता है भाई। डब्बी मुझे बढ़िया लगी, बहुत छोटी है। अगर मैं मेरे ट्रूक वगैरह जो मैं यूज़ करता हूँ रेगुलर, उनके हिसाब से देखा जाए तो बहुत छोटी और स्लिक सी डब्बी है। थोड़ी सी हैवी है बट देखने में अच्छी है। नाउ इसकी थोड़ी सी स्पेक्स पे बात कर लेते हैं। ब्लूटूथ है यूजुअली, आपको पता ही है कि 5.3 है, तो कनेक्टिविटी का इशू तो वैसे ही नहीं रहना। इसको पहले पेयरिंग का देख लेते हैं। इसके अंदर एक दो चीज़ें जो कंपनी ने करी हैं वो है जैसे कि इसका लो लेटेंसी मोड। पहली बात तो यही, लो लेटेंसी मोड क्या होता है? लो लेटेंसी मोड क्या होता है बताओ सर? जिसमें सप्लाई ऑफ द क्या कहते हो उसे, क्या सप्लाई ऑफ द वॉइस इज फास्ट, अच्छा, थ्रू ब्लूटूथ टू द अदर पर्सन। ये यूं लग रहा है जैसे मैं कहीं से रीड करके बोल रहा हूँ, पर नहीं, ये मैं रीड करके नहीं बोल रहा, ये मेरा एक्सपीरियंस बोलता है। टोपू बोलता है ये। इसके अंदर कुछ नई टेक्नोलॉजीज का यूज़ किया गया, जैसे Zen ENC जो आपकी कॉलिंग क्वालिटी को एनहांस करेगा, ठीक है। इसके अंदर लेटेंसी मोड के लिए कंपनी कहती है 45 मिलीसेकंड तक की लेटेंसी आप, मतलब आप इसे ले जा सकते हो। उसके लिए आपको इस पर चार बारी टैप करना पड़ेगा, यहाँ पे ये यहाँ चार बारी टैप करना पड़ेगा एंड यू विल गो इन द लो लेटेंसी मोड। पहले तो लेट्स सी कि हम इसमें कुछ गाना वाना बजा के देख लें। गाने अपने वही चलेंगे, कौन से वाले? वो जो उस भाई ने कहा था ना कि यार तुम NCS भी तो बजा सकते हो। ब्रो ये NCS ही है, दीज आर NCS। वो अलग बात है, उसे यूट्यूब लाइब्रेरी के बारे में मेरे ख्याल से पता नहीं होगा, यूट्यूब ऑडियो लाइब्रेरी। ब्रो NCS यूज़ करते हो, उसके लिए आपको आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यू हैव टू मैंशन ऑल दोज थिंग्स। बट जो यूट्यूब ऑडियो लाइब्रेरी है वो अपने आप उठा लेते हैं, उसके लिए हमें मेहनत नहीं करनी पड़ती। लेट्स जस्ट लिसन टू द ऑडियो। नाइस, 13 mm के हिसाब से बहुत बढ़िया है। यस, इट इज क्वाइट नाइस अकॉर्डिंग टू द 13 mm। बहुत बढ़िया आवाज है, वन लिसन।
मतलब ये वाला आप लगाओ कान में, लाउड है आवाज। देखने में कितना गजब लग रहा है, डिजाइन बहुत बढ़िया है। ये राइट मतलब सही बात, तो मुझे इसका डिज़ाइन बहुत बढ़िया लगा। डिज़ाइन हालांकि आजकल चलते भी ऐसे ही है, इन ईयर वालों से ज़्यादा बेटर लगते हैं ये, बट इसे सही है, मुझे तो खुद बढ़िया लगे। अब इसके अंदर एक बार कॉलिंग और चेक कर लें जो जेन ईएन से की इन्होंने बात करी हुई है। एक इसके अंदर जो कुछ नई टेक्नोलॉजीज जो कंपनी कहती है कि हाँ भाई वी हैव डन, तो ज़रा वो भी देख लें। देखो पेयरिंग के मामले में तो मेरे को कहना पड़ेगा पेयरिंग फास्ट थी, पेयरिंग लिटरली फास्ट थी, तो वी कैन नॉट डिनाई दैट। जैसे मैं आपको बताता हूँ, अब यहाँ से अनपेयर किया, अभी यहाँ पे ये सर्च शुरू करा, क्लिक करा एंड इट्स रेडी टू यूज़, पेयर हो गया। अब ज़रा देखते हैं, इसको एक बारी बंद करते हैं एंड ये इसके अंदर गए, डलते ही बंद, डलने के बाद निकलते ही कितने सेकंड के अंदर ये इससे कनेक्ट होता है, इट टेक टाइम एंड इट्स कनेक्टेड। क्या ये आंटी कुछ बोलती है क्या, सेकंड रुको, हाँ इसमें अंकल बोलता है, इसमें अंकल बोलता है कनेक्टेड। अच्छा यस, ज़्यादातर के अंदर आंटी बोलती है, इसके अंदर अंकल बोलता है। यस वी गॉट समथिंग इन द हाउस इन विच कुछ मेल की आवाज़ आती है, बात वो नहीं है, बात है क्वालिटी की, हर जगह औरतों की आवाज़ की यूज़ करनी। इसकी पेयरिंग के लिए कंपनी ने ब्लिंक एंड पेयर टेक्नोलॉजी है कोई वो यूज़ करी है, जिसके थ्रू ये फास्ट पेयरिंग करता है एंड जेन ईएनसी उसके लिए कॉलिंग के लिए इसके अंदर टेक्नोलॉजी। नाउ इसके अंदर टाइप सी दे रखा है, टाइप सी का मेजर रीज़न क्या है, फास्ट चार्जिंग, फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है। गेमिंग मोड है इसके अंदर, यही टैपिंग पे, वही जो 45 मिलीसेकंड की जो लेटेंसी वो आप इसी से ले सकते हो। 13mm के ड्राइवर है, 5.3 ब्लूटूथ है, विच आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, 5.3 के बारे में तो मैंने पहले ही बताया, वह लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है ब्लिंक एंड पेयर टेक्नोलॉजी के साथ। एनी अदर थिंग लेफ्ट विद दिस, 13mm के स्पीकर के साथ एक बूम एक्स टेक्नोलॉजी यूज़ करी गई है, बूम एक्स आवाज़ को एनहांस करती है। दैट्स इट फ्रॉम इसके बारे में, और तो मैं क्या ही बताऊँ। रही अब जो मेजर पार्ट, कितना टाइम चलेगा, 32 घंटे कंपनी क्लेम करती है कि भाई आप 32 घंटे तक इसे लगातार यूज़ कर सकते हो एंड एज यूजुअली फास्ट चार्जिंग है, तो 10-15 मिनट में ये अच्छा खासे चार्ज हो जाएंगे, बट अगर आप इन्हें 10-1 मिनट भी इसके अंदर डब्बी के अंदर डाल के रखते हो तो विल गेट चार्ज इजीली एंड फास्ट, जो आपके लिए भी बेनिफिट रहेगा क्योंकि यूज़ तो कर पाओगे। मेरा मेरी जो यूज़ रहती है, मेरा रहता है कि मैं सिंगल सिंगल करके यूज़ करता हूँ, तो दिक्कत नहीं होती, हाँ फटाफट चलो ठीक है। अब नाउ द थिंग कि ये कितने का है, हमने पिछली बारी जो भी वीडियोस करी थी वो थी 1499, मतलब 1500 की रेंज के अंदर, ये सस्ते हैं। करंट में अभी जब हमने खरीदे हैं तो ये हमने खरीदे 800 के, और अभी इनका रेट 800 ही चलने लग रहा है, तो यू मे गो फॉर दिस, ट्राई करना चाहिए हर चीज़ को। आज हमने पहली बार किसी नई कंपनी के बड्स मंगाए हैं, वी हैव यूज सम डिफरेंट ब्रांड, तो कुछ अलग अलग सा लगता है, तो यूजेज के बाद बताते हैं किसी न किसी वीडियो में, चलते फिरते तो बता ही देंगे। एंड दैट्स इट फ्रॉम आवर साइड, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। ये था बोल्ट कंपनी के K20 बड्स का अनबॉक्सिंग कम रिव्यू। रहा भाई व्हाट डू वी फील, देखने में अच्छे लगे, यूजेज में अच्छे लगे, आवाज़ बहुत बढ़िया है और डिज़ाइन भी बहुत बढ़िया है, डब्बी बहुत कॉम्पैक्ट है, थोड़ी सी आपको हल्की सी बल्की लगेगी साइज़ के हिसाब से, बट वो वैसे बल्कि नहीं है क्योंकि भैया बैटरी भी तो बड़ी है, 32 घंटे का प्ले टाइम है तो बैटरी तो ऑब्वियसली बड़ी है, फास्ट चार्जिंग है,
साथ में पेयरिंग टेक्नोलॉजी नहीं है, साथ में जो स्पीकर टेक्नोलॉजी है जो आवाज़ एनहांस करता है बूम एक्स टेक्नोलॉजी, वो भी लेटेस्ट है एंड इतना सब कुछ स्मॉल साइज में। थोड़ा सा अगर मैं कहूँ ना तो बोट वाले जो कंगना थे ना उनसे भी थोड़ी सी छोटी लगी मुझे इसकी डब्बी। हाँ लग रहे थे उनसे भी थोड़ी छोटी थी। एंड चार माइक है ड्यूल मास्टर, भाई मैंने ड्यूल पेयरिंग तो नहीं करके देखी। अरे उस्ताद जी, कंट्री ऑफ ओरिजिन चाइना एंड मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया, मेड इन इंडिया। ओके चलो सर आप कहते हो मान ली, अब तो माननी पड़ेगी। दैट्स इट फ्रॉम आवर साइड। लेटेस्ट पैकिंग है ब्रो जुलाई की। अच्छा हाँ और इसका MRP है वैसे 2299, मतलब 2300 रुपये के अराउंड के हैं। सही है यार, लेट्स सी यूज़ करके देखते हैं कैसा रहता है। किसको दें ये यूज़ के लिए देखना पड़ेगा। दैट्स इट फ्रॉम आवर साइड, आप भी हमें यूज़ करके बताना आप लोगों को कैसा लगता है। वी विल डेफिनेटली वेट फॉर योर रिव्यू। थैंक यू सो मच फॉर टुडे, एंजॉय।